हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त करण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10th और 12th के रिजल्ट्स अपने मोबाइल में ऑनलाइन देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में मैं जैसे जैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने को कहूँ, आपको बिल्कुल वैसे वैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र ऐप में जाना है, जहाँ से भी आप अपना इंटरनेट एक्सेस करते हैं। और यहाँ हमें एक वेबसाइट पर जाना है, www.pscb.ac.in। दोस्तों, ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से हम अपना 10th और प्लस टू का रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले यहाँ पेज पर रिजल्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, हमें यहाँ जाना है रिजल्ट्स पर। यहाँ जाने के बाद दोस्तों, ये पहले नंबर पर ये न्यू अपडेट आई हुई है 10th और प्लस टू के रिजल्ट्स की। तो ये जो आई हुई है अपडेट, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स 2019 नाउ अवेलेबल, तो हमें यहाँ जाना है। और ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा। यहाँ हमें अपना रोल नंबर या अपना नेम ऐड करना है, जो भी हम अपना रिजल्ट्स फाइंड करना चाहते हैं जिस भी नाम पर। तो मैं यहाँ अपना रोल नंबर डालूँगा। ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, मेरा रिजल्ट्स अभी ये आ चुका है बिल्कुल सामने ऑनलाइन। ये कुछ ऐड आते हैं, इसे हम कंटिन्यू टू स्लाइड कर देना है। हमें 15 सेकंड वेट करना होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा रिजल्ट्स हम अपने मोबाइल पर इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ सारी सारी इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10th और प्लस टू के रिजल्ट्स अपने मोबाइल में ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपके किसी भी काम आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे एक लाइक कर दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।